आपको मोमार देखना है तो आ जाओ पादों। गाइज नमस्कार बोंजूर, और आज मैं आपको लेके चल रही हूँ मोमार्थ। तो मेरे साथ मोमार्थ आइए, बट उसके पहले लेट्स सी कि आसपास क्या है। यहाँ आपको सुवनीर शॉप्स दिखेंगी, आपको दूसरी शॉप्स भी दिखेंगी। सुवनीर मतलब सुवनीर कि आप अगर पेरिस आए हैं तो आप क्या क्या खरीदेंगे। जैसे आप ये देख रहे हो, आपको शॉल मिलेंगे। गुजरात में इसकी ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप ठंड प्रदेश में रहते हो तो वाई नॉट, और एक ही बार आ रहे हो तो यू शुड डेफिनेटली चेक दिस आउट। Let's take you to a shop which is also famous, जैसे एंजेलिना की जो शॉप है पेरिस में, Amorino। तो यहाँ आपको हॉट चॉकलेट्स मिलते हैं, बहुत ही फेमस। एंजेलिना में बोलते हैं कि सबसे फेमस है पेरिस में, बट यहाँ भी ट्राई कर सकते हो। और नॉर्मल कॉफ़ी और क्रेप और मैक्रॉन एंड जेलेटो आइसक्रीम्स एंड ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ आइसक्रीम्स। इट्स वन ऑफ द बेस्ट एंड फेवरेट प्लेस मेरे लिए। तो जो मैंने आपको शॉप दिखाई पीछे, चॉकलेट की शॉप, कुछ दोस्तों के साथ मैं आती हूँ और मिस्टर सुख के साथ भी आती हूँ जो मेरी हेल्प कर रहे हैं। थैंक्स टू यू, लेट्स वॉक। ओके गाइस, तो हम जाएंगे काफ़ी ऊंचाई पे, एकदम वहाँ तक मोमार्थ पे। इसको कहते हैं साक्रेकर, ऑल्सो साक्रेकर मतलब सेक्र मतलब सेकर्ड, कर मतलब हार्ट। बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, तो आपको हम सीढ़ी से नहीं ले जाते हैं, हम चलते हैं लिफ्ट से। लेट्स गो। तो हमारा सेकंड प्लान कैंसिल हो गया है लिफ्ट से जाने का, क्योंकि बहुत ही लंबी लाइन है एकदम पीछे तक। तो अनफॉर्चुनेटली हमें जाना पड़ेगा स्टेयर्स के साथ। जोर से बोलो जय माता दी। ओके गाइस, तो हम आ गए हैं साक्रेकर में। साक्रेकर जैसा मैंने आपको बताया, साक्रेकर यानी सेक्रेड हार्ट, इट रिसेंबल्स सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस। तो लेट्स सी दिस ब्रेथ टेकिंग मॉन्यूमेंट ऑफ पेरिस। तो ये मॉन्यूमेंट बना था, चालू हुआ था 1371 में, और ये ख़त्म हुआ है 1941 में। और ये पेरिस के सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट पे बना हुआ है। यहाँ से आपको आईफिल टावर भी दिखेगा, कहाँ से दिखेगा एग्जैक्टली मैं आपको इस वीडियो में तुरंत बताऊंगी, और आप एंजॉय करिए इस वीडियो को। यहाँ पे आप देखोगे ये मार्बल्स नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन ये ऐसे पत्थर से बना है कि इसमें कुछ ऐसा एसिड है कि जब भी ये
पानी गिरता है ये मॉन्यूमेंट अपने आप क्लीन होता है। तो आप देखोगे कि ये इतना वाइट कैसे, इतने टाइम से है तो ये काला क्यों नहीं है, तो ये अपने आप ठीक होता है, इसको कोई क्लीन नहीं करने बैठता है, यू नो। जैसा मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि ये मार्बल से बना है, तो ये एग्जैक्टली अपना ताजमहल वाला मार्बल नहीं है, ठीक है, ये अलग टाइप के स्टोन्स हैं, इसका एग्जैक्ट नाम नहीं पता मुझे। हाँ, तो हम आ गए हैं अभी मोमार्ट के क्रिएटिव एरिया में, जहाँ पे पोर्ट्रेट्स बनते हैं, जहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं आप अगर देखते हैं अंदर। और ये एकदम यहाँ बहुत शांति से बैठ के चाय, कॉफ़ी, दारू, मांस, मटन, मच्छी, जो भी खाना है खा सकते हैं एंड अपनी पोर्ट्रेट्स बना सकते हैं। तो लेट्स सी सम ऑफ द पोर्ट्रेट्स। और ये वैसा एरिया है, ऐसा नहीं है कि वो सेन रिवर के पास में जो सिर्फ फोटोज बनी होती है। तो ये आप जो देख रहे हो, ये किसी ने पोर्ट्रेट बनाई है, आपको कलर्स भी दिखेंगे लाइक। तो ये स्ट्रीट हाल ही में एक बॉलीवुड हिंदी पिक्चर में दिखाई है। कौन सी पिक्चर है वो, क्या आपको पता है? प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए, और नहीं पता है तो इस स्ट्रीट को एंजॉय करिए। जा रहे हैं गुलाबी घर में, यस ओके। तो हम जा रहे हैं गुलाबी घर में, पेरिस के गुलाबी घर में, जो बहुत ही फेमस है। इसका नाम है मेजों रोज। मेजों यानी घर फ्रेंच में, एंड रोज यानी पिंक, पिंक यानी गुलाबी। तो लेट्स कम विद मी। और यहाँ से आपको बहुत ही अच्छा पेरिस का व्यू भी दिखेगा, और आपको दिखेगा कि यहाँ पे कितने सारे टूरिस्ट हैं, फोटोग्राफर्स हैं, जो अपने इंस्टा पे, यूट्यूब पे स्टोरी डालना चाहते हैं। एंड दैट्स व्हाई दिस मेजों रोज इज क्वाइट फेमस। आप देख रहे हो, इट्स सच अ स्मॉल, एकदम ट्राइंगल, यू नो, छोटी सी स्पेस में बना है, काफ़ी अच्छा है। मैं कभी नहीं गई, और जिसने भी उस मूवी का नाम अगर सही बताया, वो मेरे साथ मेजों रोज में एक कैफ़े के लिए आ सकता है या आ सकती है। एंड यहाँ पे एक वाइनयार्ड भी है। एग्जैक्टली, पेरिस के अंदर वाइनयार्ड ये है, जो एग्जैक्ट साकरे करके पीछे साइड में है, और ये मेजों रोज के घर के बाजू में है। ऐसा मेरे कुछ दोस्तों ने बताया है कि यहाँ की वाइन्स बहुत अच्छी नहीं होती है, बट देयर इज अ वाइनयार्ड, हियर यू गो। गाइज, ये एरिया है 18th अराउंडिस्मो। इसमें लोकेशंस आती है मार्का दे पुआसोनियर, शातो रूज,
गार्दलेस गार्डिनोर के पास और है पोर्ट द क्लिनिया कोर्ट ओवेर अनवर जहाँ पे साकरेकर था एंड पिगाल ये सब एरिया 18th अरोंदिस्मो में आते हैं. ये 18th अरोंदिस्मो का एक बहुत ही फेमस एरिया जहाँ काफ़ी लोग रहते हैं और ये बहुत पास में है गार्डिनोर गार्दलेस और रिपब्लिक से और जो भी मेन सिटी सेंटर है पेरिस का और यहाँ से ट्रेन्स आपको सब कुछ मिल सकता है. लोग बारिश के मजे लेते हुए एंड गाइस और भी एरिया है और भी जगह है 18th में बट अनफॉर्चुनेटली कोइंसिडेंटली बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही है तो मैं आपको सब चीज़ बता नहीं सकती हूँ. पर सेफ्टी का अगर आप मुझे पूछो तो आई विल नॉट से दैट इट इज़ 100% सेफ बट अंधेरे में रात के टाइम पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हो या वापस आ रहे हो तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा. इस एरिया में 5 में से 3 out of 5 star दे सकते सेफ्टी को. सो एज मेरे कैमरामैन दोस्त ने कहा है 5 में से 3.5 दे सकते हैं सेफ्टी के उसमें. लेकिन एज आई ऑलवेज से आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है. तो गाइज वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए एंड देखिए ये एरिया कैसा है और आप चेक करिए और कभी भी कोई भी घर लेने से पहले प्लीज उसमें रिसर्च करिए. एंड इसी के साथ ये वीडियो यही समाप्त होता है. वुमेन नो क्राई.